नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। चित्तौड़गढ़ से, जहां चित्तौड़गढ़ राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की दूसरी सूची चित्तौड़गढ़ में विधायक चंद्रबान सिंह का टिकट कटे जाने से उनके समर्थकों में गहरा रोष। कई कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा देकर विरोध जताया। वहीं पार्टी इस निर्णय पर आगामी रणनीति बनाने के लिए शहर के गुलशन गार्डन में विधायक समर्थन पदाधिकारी कार्यकर्ता द्वारा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ने भाग लेकर चंद्रभान के प्रति अपना समर्थन जताया। चित्तौड़ विधानसभा भाजपा प्रत्याशी के रूप में दो बार विधायक बन चुके चंद्रभान सिंह आज्ञा का इस चुनाव में टिकट कट गया। शनिवार को भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में नरपत सिंह राजश्री चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार बनाए जाने की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में आज समर्थक भाजपा कार्यकर्ता विधायक कार्यालय अतीत होकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी के विरुद्ध कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनके पोस्टर जलाए। इस संबंध में रविवार को शहर के गुलशन कार्ड से आजा समर्थन कार्यक्रम का बैठक आयोजित हुए पार्टी के आलाकमान टिकट बदलने पर आग्रह करते हुए टिकट देने का आग्रह किया है। वहीं वक्ताओं ने सीधे आलाकमान से चेतावनी दे डाली। विधायक चंद्रबान सिंह कार्यकर्ता भी भावना रूप में चुनाव अवश्य लड़ेंगे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को सोमवार में मंगलवार स्वयं रखने को कहा, सार्थक बदलाव इंतजार करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ने की बात कहकर अब विद्रोही तेवर दिखाते हुए 2 नवंबर दोपहर 12:15 बजे नामांकन भरने की घोषणा कर दी। फिर आज का समर्थन नहीं, शहर में पैदल मार्च करते हुए गोपो तक जाकर वापस गुलशन गार्डन पहुंचे। इसकी जो लिस्ट है उसमें नरपत सिंह राजू का नाम आया जयपुर से, उसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहते हैं? बहुत गलत किया है चंद्रबान जी का टिकट काट के। चंद्रबान जी को टिकट देना चाहिए। ये फर्स्ट बार में 12,500 वोटों से जीते, सेकंड बार में 25,000 वोटों से जीते हैं, तीसरी बार में 70,000 वोटों से जीतने की आशंका थी, पर आलाकमान ने बहुत गलत किया है और चंद्रबान जी को टिकट देना चाहिए और 2 दिन के अंदर चंद्रबान जी को टिकट देंगे आलाकमान। क्या नाम है आपका? कदरलाल जी सुथार। कहाँ के रहने वाले? बटवाड़ा किला। जो लिस्ट जारी हुई जिसमें नरपत सिंह जी राजवी का नाम आया और चंद्रबान सिंह जी का टिकट काट दिया, उसके बारे में आप क्या क्या कहना है? हम ये कहना चाहते हैं कि चंद्रबान जी को ही टिकट दिया जाए और जो अभी जो नरपत सिंह राजवी खड़ा है उनको कोई जनता चाहती नहीं है, और जो चंद्रबान जी हैं वो हर जनता के लिए तैयार रहते हैं और वोट हम उसी को चंद्रबान जी को ही चाहते हैं। अभी दूसरी लिस्ट जारी हुई जिसमें नरपत सिंह राजवी का नाम आया, आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये बहुत गलत किया है चित्तौड़ के और मतलब युवा नेताओं के लिए। जो हमारे दबंग नेता जो चंद्रबान जी आइक्या साहब है उनको टिकट ना देकर ये इन्होंने बहुत गलत किया है और आगे भी हम इनकी बहुत दखल अंदाजी करेंगे, क्योंकि अब की बार लग रहा है टिकट बिल्कुल गलत बनाया है, ये गलत चीज़ दिखा है एक तरह से। तो धन्यवाद।